हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न स्पॉट चैनल। तो गवर्नमेंट स्कीम की सीरीज में गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएम पीवीटी जी डेवलपमेंट मिशन के बारे में। ठीक है, तो नाम लिख देता हूँ एक बार इसका पूरा, पीएम पीवीटी जी डेवलपमेंट मिशन। ठीक है, तो गाइस आप लोग जैसे कि जानते हैं कि आरबीआई ग्रेड बी का एग्जामिनेशन आ चुका है। ठीक है, 9 तारीख को एग्जामिनेशन है हमारा, 9 जुलाई को। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट स्कीम प्रिपेयर करनी होती है तो ये बहुत बड़े बड़े ड्राफ्ट्स होते हैं, आपको पूरा नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, आपको जो की पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डाटाज हैं, उनको बस रिमेंबर करने की ज़रूरत है। और लर्न ई स्पॉट चैनल पे हम लोग सिर्फ वही चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं आपको जो कि आपके एग्जाम के लिए रिलीवेंट हों। ठीक है, तो अब बात करते हैं ये पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन है क्या। पी का मतलब हो गया गाइस पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, तो ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल हैं। ठीक है, तो याद रखिए कि 1973 में धाबेर कमीशन आया था। ठीक है, धाबेर कमीशन, तो उस टाइम पे ये बताया गया था कि ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके लिए डेवलपमेंट स्कीम्स लाई जाएं। तब पहली बार बात हुई थी 1975 में पीटीजी के बारे में। ठीक है, पीटीजी का मतलब होता है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, उसके बाद 2006 में इस पीटीजी को कर दिया गया पीवीटीजी। तो आपको पहला पॉइंट तो याद रखना है कि ये जो पीटीजी पीवीटीजी में कब कन्वर्ट हुआ है वो है 2006 में, 2006 में। ठीक है, अब देखिए कि आपने जब यूनियन बजट पढ़ा होगा हमारे चैनल पे, उसका वीडियो भी पढ़ा हुआ है, आप जाके देखिए उसको एक बार। तो सप्तऋषि की बात करी गई थी यूनियन बजट में, तो सप्तऋषि में 7 प्रायोरिटीज एरिया की बात करी गई थी। तो उन सारे प्रायोरिटीज एरिया में एक प्रायोरिटी एरिया हमारा जो था वो था रीचिंग द लास्ट माइल का मतलब हो गया गाइस कि आखिरी व्यक्ति तक हम जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको पहुंचा सके, उनके बेनिफिट्स आखिरी तबके के लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, तो इस स्कीम की जो शुरुआत करी गई है वो इसी यूनियन बजट में करी गई है 2023 में। तो आपको याद करना है कि 2023 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, पीवीटीजी मिशन को। ठीक है, अब बात करते हैं 2008 में डेवलपमेंट ऑफ पीवीटीजी नाम से भी एक स्कीम लॉन्च करी गई थी। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मिनिस्ट्री की। देखिए, कोई एक स्पेसिफिक मिनिस्ट्री तो है नहीं इसकी। ठीक है, मल्टीपल मिनिस्ट्रीज का कन्वर्जेंस है इस स्कीम में। कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं एक बार याद रख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और इसी के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये 5 मिनिस्ट्रीज हैं जो कन्वर्जेंस स्कीम है, मतलब 5ों मिनिस्ट्रीज मिलके काम करेंगी पीवीटीजी ग्रुप के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं इस स्कीम का जो एम है वो क्या रहेगा। पीवीटीजी जो ग्रुप्स हैं उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर करना, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर करना। अब देखिए, जैसे कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है तो जो भी रोड्स हैं, कनेक्टिविटीज़ हैं, उसको प्रोवाइड करेगी। अगर हम बात करें जल शक्ति मंत्रालय की तो पानी से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, एजुकेशन, ट्राइबल ग्रुप्स को एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाएगा, वुमेन की सेफ्टीज़ का ध्यान रखा जाएगा। तो ये सारी मिनिस्ट्री मिलकर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करेंगी पीवीटीजी के। ठीक है, अब बात करते हैं ये स्कीम कब तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, याद रखिएगा इसको, ये स्कीम कब तक है। तो ये स्कीम 2026 तक है, 2026 तक है। ठीक है, यानी कि ये 3 साल के लिए चलाई जाएगी, 3 इयर्स के लिए इस स्कीम को रन किया जाएगा अप टू 2026। अब बजट एलोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप बिल्कुल याद रखिएगा, 15,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है इस स्कीम का। अब बात करते हैं फीचर्स की, इस स्कीम के कुछ फीचर्स भी हैं। तो पहला जो फीचर है वो है सेफ हाउसिंग, मतलब कि हाउसिंग जो दी जाएगी वो सेफ एंड अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड कराई जाएगी पीवीटीजी ग्रुप को। दूसरा है हमारे पास क्लीन वाटर, जैसा कि मैंने बताया कि जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। तीसरा है आपका एजुकेशन, फोर्थ है आपका रोड कनेक्टिविटी, उसके बाद आपका फिफ्थ है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, और सिक्स्थ है आपका सस्टेनेबल लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। तो ये आपकी 6 हमारे फीचर्स हैं इस स्कीम के, फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन आरबीआई ग्रांट, आरबीआई ग्रेड बी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये।
1973 में ढाबेर कमीशन आया था, 1975 में पीटीजी बना था, और 2006 में पीटीजी को कन्वर्ट कर दिया गया था पीवीटीजी मिशन में। ठीक है, सप्तऋषि की बात करी गई थी जिसमें 7 प्रायोरिटीज हमारे बजट में, उसमें एक रीचिंग था, लास्ट माइल भी था हमारा। ठीक है, लॉन्चिंग ईयर इसका जो है वो 2023 है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जल शक्ति, एजुकेशन, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये 5 मिनिस्ट्री कन्वर्जेंस करके इस स्कीम को चलाएंगी। पीवीटीजी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना इसी स्कीम का हमारा एम है। कब तक ये स्कीम चलेगी? 2026 तक 3 साल। ये पॉइंट याद रखिए कि 2026 तक चलेगी 3 सालों के लिए। बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, 15,000 करोड़ याद रखेंगे। फीचर्स की बात हो ही गई है, सेफ एंड हाउसिंग, ठीक है, क्लीन वाटर, एजुकेशन, रोड कनेक्टिविटी, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन और सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़। अब देखिए, ये स्कीम अगर पेपर में आती है तो ठीक है, अच्छी बात है, आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर नहीं भी आती है तो आप इसको अपनी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में इसका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ इन द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। मान लीजिए ट्राइबल ग्रुप से कोई क्वेश्चन आ गया, आ ही सकता है, क्योंकि बजट में हमारे सप्तऋषि की बात करी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है। ठीक है, तो इस स्कीम को होप गाइस आपको समझ में आई होगी। छोटी सी स्कीम थी बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी के बजट में इसका जिक्र हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और अच्छे से तैयारी करिए। अब की बार का RBI ग्रेड भी आपका ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।